ऑलरेडी एग्जिस्टेड है क्रैशविल ट्रेडनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इंडिया में भी पहले इन्होंने अपना एमसीए के अंडर जाकर क्रैशविल ट्रेडनिक प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे इंडिया में काम शुरू किया है। और अभी जो ये कंपनी है यहाँ पे क्रैश मार्ट के नाम से अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है, और एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें रहेंगी सर्विसेज रहेंगी, एक तो सबसे पहले जैसे हम पेटीएम की टोटल सर्विसेज यूज करते हैं, रिचार्ज वगैरह वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे, कोई भी पेमेंट इधर से उधर कहीं भी ट्रांसफर करनी है वो पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन पे आपको ई कॉमर्स पोर्टल मिलेगा, जहाँ से आप जैसे आप तो मार्केट में देखा होगा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से लोग प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो वो सभी ब्रांड सभी तरह के प्रोडक्ट मार्केट वाले जितने भी वो सभी के सभी यहाँ से भी मिलेंगे इसी एप्लीकेशन पे। यानी कि इस एप्लीकेशन को दो टाइप से हमें मार्केट में जितने भी सर्विसेज हो गई ऑनलाइन और जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हो गए, उन सबके द्वारा जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए या सर्विसेज चाहिए वो सभी के सभी यहाँ से क्रैश मार्ट के द्वारा हमें मिलती है। तो अभी जो है क्रैश मार्ट के जब स्टार्टिंग हुई है तो इसमें अभी कंपनी ने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में बनाया है ओखला, और इसके साथ साथ कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है देहरादून में हिमाचल में, जहाँ पे कंपनी के अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे हेल्थ केयर ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर के। तो जो भी ई कॉमर्स पोर्टल पे ब्रांडेड अनब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी के अपने भी क्रैश चॉइस के नाम से अपने प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे अब मेन चीज क्या होती है, इस कंपनी ने यहाँ पे इंडिया को कैसे कैप्चर करना है, कैसे इसकी मार्केट में खड़ा करके अपने आप को फैलाना है, कैसे हर व्यक्ति को रोजगार देना है, उसकी स्ट्रेटजी जो कंपनी के ऊपर ही फास्ट है और बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो इन्होंने जो इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है तैयार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आम यूजर जो है वो यदि वो सिर्फ यूज करना चाहता है, सर्विस यूज करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे दी है। उसके साथ साथ जो लोग नेटवर्क बना के पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया कंपनी ने यहाँ पे सिस्टम दिया है, और इसके साथ साथ जो लोग बाई चांस नेटवर्क नहीं बना पाते लेकिन वो कुछ ऐसा काम करके हमेशा लाइफ टाइम की कोई इनकम उनको मिले तो वो चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे कंपनी हमें दे रही है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ कि जो लोग सिर्फ यूजर बन के काम करना चाहते हैं तो वो अपना कंपनी के लिंक से जैसे किसी न किसी का लिंक उसको मिलेगा यूजर को जाएगा, तो उस लिंक से जैसे ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइन करने पे उसको 500 रुपये का वॉलेट उसके ज्वाइनिंग के साथ साथ उसके आईडी पे आ जाता है, और जो उसको वॉलेट मिला है 500 रुपये का वो वॉलेट वो यूज करेगा अपने जो भी खरीदारी उसको प्रोडक्ट पसंद आता है ई कॉमर्स पोर्टल के द्वारा, तो उनके कोई भी खरीदारी में वो 500 रुपये का वॉलेट यूज कर सकता है, और उसके साथ साथ जो सर्विसेज उसको यूज करनी है तो वो जैसे हम पेटीएम में कोई पेमेंट डालते हैं अपलोड करते हैं तो ऐसे वो पैसा डाल के 1,000, 2,000, 200, 500 जो भी उसको चाहिए तो वो पैसे से वो आम सर्विसेज यूज कर सकता है, और यदि किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है आगे भेजना है जैसे पेटीएम टू पेटीएम हम भेजते हैं ऐसे क्रैशमार्ट टू क्रैशमार्ट वो पैसा भी भेज सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो पैसा यदि अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहे तो वो अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ यूजर के बेस पे, कि यूजर हमेशा कंपनी के साथ कैसे बना रहेगा। उसमें सबसे बढ़िया बात पहले क्या है कि जैसे उसको 500 रुपये का वॉलेट मिला है फ्री में, तो कंपनी क्या करती है जब उसको कोई भी प्रोडक्ट उसको पसंद आता है तो वहाँ पे वो अपना वॉलेट यूज करवा सकता है, तो वॉलेट जो यूज होगा वो 10% से लेकर 50% तक यूज होता है प्रोडक्ट वाइज। अब मान लेते हैं हम 1,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट पे हम गए खरीदने के लिए हमें पसंद आया, तो उस पे आ जाएगा मान लो आपका 40% वॉलेट वहाँ पे यूज होता है, तो 1,000 का 40% हम काउंट करेंगे तो हो गया लगभग 400 रुपया, और 600 रुपया आपने अपनी जेब से दिया, तो जेब से जो 600 रुपये का आपने दिया है और 400 रुपये का आपका वॉलेट यूज हुआ है तो उससे क्या हो गया 1,000 की आपकी खरीदारी होगी और वो 1,000 का प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें, अब उसके पास जो वॉलेट रहा है वो वॉलेट रहेगा 100 रुपये का पीछे, तो उसको 500 रुपये का मिला था फ्री में लेकिन 400 का उसका यूज हो गया और 100 रुपये अब उसका बैलेंस रह गया। लेकिन अब कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है कि वो कस्टमर हमेशा कंपनी के साथ बना रहे, हमेशा कस्टमर बना रहे और खरीदारी करता रहे,
और उस कंडीशन में जो है कंपनी ने क्या किया, जितने पैसे आपने दिए थे प्रोडक्ट को खरीदने में, जितने पैसे दिए थे वो दिए थे 600 रुपये, 400 रुपये का वॉलेट यूज हुआ था, 600 रुपये आपने दिए थे, तो कंपनी 100% यानी कि 600 रुपये और वापिस कैश बैक के रूम में आपके उस वॉलेट पे आ जाएंगे जहाँ पे 100 रुपये पहले बचा हुआ था। तो अब आपका वॉलेट हो गया 700 रुपये का। तो आप फिर दोबारा कभी ना कभी प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा, आप फिर वॉलेट का यूज करोगे, फिर जो वॉलेट में जितना वॉलेट यूज हुआ बाकी का जो पैसा आपने दिया उतने का वॉलेट फिर 100% कैशबैक के रूम में आपके आईडी पे आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से वो कस्टमर हमेशा फायदा उठाता रहेगा और कंपनी के साथ बना रहेगा। तो ये जो चीज है सर, ये तो हो गया एक आम यूजर की बात, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो लोग चाहते हैं कि यार हमें कुछ एक्स्ट्रा वॉलेट और चाहिए, तो वो लोग यदि फ्री में ही आगे लोगों को रेफर करते हैं और वो लोग भी फ्री में ही जुड़े हैं, तो वो लोग जितने भी फ्री में जुड़ते चले गए सबके पास 500-500 का वॉलेट आ गया। लेकिन जितने लोग आपके डायरेक्ट रेफर लिंक से जुड़े हैं आपको 1000 रुपये का पर रेफर आपको एक्स्ट्रा वॉलेट आपकी आईडी पे इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसका प्रयोग आप वही खरीदारी में कर सकते हैं। तो ये हो गया अभी तक दोनों तरीके का वॉलेट, एक फ्री में जो वॉलेट रेफर करेंगे और एक जो फ्री में रजिस्ट्रेशन किया उसका। तो अब बात आती है जो लोग अब यहाँ पे एक चीज और सोचने की है कि जो आपने फ्री में किसी को रेफर किया था 1000 का वॉलेट आपको मिला कर रहा था, लेकिन अब वो लोग भी तो हो सकते हैं आगे जितने किसी को रेफर करें, अब जब वो आगे से आगे किसी को रेफर करेंगे तो उनको भी वॉलेट आ रहा है। तो ऐसे करके आपकी टीम बनती जा रही है और वो टीम जो है इसी लेवल में जितनी भी आपकी टीम बनती है और सभी टोटल टीम के पास क्या पड़ा है वॉलेट, किसी पे 500 का पड़ा है, किसी पे 1000 का पड़ा है, किसी पे 5000 का पड़ा है, यानी कि लाखों रुपए का वॉलेट आपके इस लेवल में टीम ने पड़ा है। अब वो लोग अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे जो भी उनको पसंद आता है। तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, इस लेवल में एक परसेंटेज फिक्स की हुई है, यदि आपके इस लेवल पे यदि खरीदारी है तो ये परसेंटेज आएगी, इस लेवल पे खरीदारी तो ये आएगी, इस खरीदारी तो ये आएगी। तो इस तरीके से आपका एक कमीशन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन लेने के लिए यदि आपको लेवल वाइज कमीशन चाहिए परचेजिंग का, तो आपको अपनी आईडी को 1650 रुपये से अपग्रेड करना जरूरी है। आपको तभी जाके उस खरीदारी का कमीशन मिल सकता है यदि आप अपनी आईडी से अपग्रेड किया हुआ, अपनी आईडी को एक्टिव किया हुआ। तो जैसे ही आप अपनी आईडी अपग्रेड करते हैं तो जैसे 1650 रुपये में आईडी अपग्रेड होती है, लेकिन 1650 रुपये में कंपनी आपको 5000 रुपये का वॉलेट दे देती है। वो वॉलेट भी जैसे आपका पहले रेफर वाला वॉलेट यूज कर रहे थे या फ्री वाला यूज कर रहे थे, इस तरीके से ये वॉलेट भी आपका खरीदारी में ही यूज होगा 10-50% तक। लेकिन आपको यहाँ पे अब मौका मिल गया कमीशन का काम करने का, इनकम लेने का। जैसे आपके किसी भी लेवल पे कोई भी परचेजिंग होगी तो उसका जो भी लेवल के बाद आपका कमीशन बना वो कमीशन आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं उदाहरण देकर चलता हूँ। मान लेते हैं आपका यानी कि 5वें लेवल पे सेल हुई 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए की सेल पे अब मान लेते हैं 40% बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने काउंट किया, यानी कि 40,000। 40,000 का यदि आपका वहाँ पे लेवल 7% है तो 7 चौके 14 रुपये 7 चौके कितना हो गया सर, 14 इतना कमीशन आपको मिल गया। ठीक है, अब इस तरीके से कंपनी ने परसेंटेज फिक्स किया, जैसे फर्स्ट लेवल पे 10% है, सेकंड पे 3.5% है, फिर 7.15% है, फिर 3.5 है, फिर 7.15 है, 3.5 है, 7.15 है, ऐसे करके एक स्टेप पे डाउन एक स्टेप पे ज्यादा। तो ऐसे करके जो है कमीशन स्लैब फिक्स किया हुआ है। तो जब जब भी जिस भी लेवल पे परचेजिंग होगी लोग वॉलेट का यूज करेंगे तो आपको उसी हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन आपको मिलता रहेगा अलग अलग प्रोडक्ट वाइज अलग अलग हिसाब से। ओके, तो ये टोटल 21 लेवल में कंपनी ने काटने का तरीका दिया हुआ है। तो लेकिन इसके साथ साथ अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 1650 रुपये से अपग्रेड किया था और मैंने अभी उदाहरण दिया था कि आपका 5वें लेवल पे सेल हुआ, लेकिन जो बीच के 4 लेवल वाले लोग हैं, आपसे नीचे के जो लोग हैं 4 लेवल तक, तो
कमीशन तो उनका भी बना हुआ है, लेकिन अब उन लोगों ने बाई चांस आई डी अपलोड नहीं की है तो उनको वो कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी मजबूरी है अपनी आई डी को एक्टिव करना, जब वो एक्टिव कर लेंगे तो उसके बाद वो कमीशन हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी हिसाब से हम बात करते हैं अपग्रेडेशन के ऊपर। मान लेते हैं आपने अपनी आई डी अपग्रेड कर ली, अब जो आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी लोग जुड़े हैं वो अपनी आई डी को अपग्रेड करते हैं तो उन सबको वही 5,000 रुपये का वॉलेट मिल जाता है। तो आपको अपग्रेडेशन के ऊपर भी कंपनी कमीशन देती है। जैसे कंपनी 1650 रुपये में 1400 बिजनेस वॉल्यूम काउंट करती है, तो अब 1400 बिजनेस वॉल्यूम को फर्स्ट लेवल पे कंपनी देती है 10%, यानी कि 140 रुपया। तो 140 रुपये के हिसाब से आपके डायरेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सब से आपको 140 रुपया मिल गया कमीशन के रूप में, और उनसे आपको 1,000 रुपया ऑलरेडी पहले मिल चुका था जो रेफर के बेस पे मिल चुका। अब सेकेंड लेवल पे वो लोग आगे किसी को ज्वाइन कराते हैं, अपग्रेडेशन कराते हैं, तो वहां से वही लगभग 3.6% के हिसाब से 1400 का यदि आप काउंट करेंगे 3.6 तो 50 रुपये 40 पैसे बैठता है। तो दूसरे लेवल से आपको 50 रुपये 40 पैसे मिल जाएंगे। फिर थर्ड लेवल पे 7.15% कमीशन देती है, 1400 का 7.15 काउंट करेंगे तो 100 रुपये बनता है, यानी कि थर्ड लेवल से आपको 100 रुपये मिलेंगे। फिर ऐसे ही 50 रुपये, फिर 100, फिर 50, फिर 100, फिर 50, फिर 100, ऐसे करके आपको स्टेप वाइज वो कमीशन अपग्रेडेशन के ऊपर भी मिलता जाएगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कंपनी ने एक सिस्टम ऐसा दिया कि देखो बांटने का तरीका, यदि आप इसको पॉलिसी को समझोगे, आप आमतौर पे लेवल प्लान में आपने चीज देखी होगी, शुरू में फर्स्ट कुछ स्टेप पे ज्यादा परसेंटेज देते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल घटाते चले जाते हैं। जैसे शुरू में ज्यादा दे दिया, 10 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, फिर 2, फिर 1, 1, 1, ऐसे ऐसे देते हैं आमतौर पर देखा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, शुरू में भी ठीक है, बीच में भी ठीक है, और लास्ट में भी ठीक है, यानी कि 10 लेवल पे जाके भी ठीक है। अभी क्योंकि हमेशा देखा गया कि हमारी जो टीम बनती है कई बार वो तीसरे चौथे पांचवें स्टेप पे जाके बननी शुरू होती है। मान लेते हैं आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैंने आगे किसी को करा दिया, उसने आगे किसी को करा दिया, उसने आगे किसी को करा दिया। तो अब ऐसा उदाहरण हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो 10वां स्टेप है, 10वें स्टेप पे जो हमें मिलता है 150 रुपया पर आई डी मिलता है हमें। जैसे फर्स्ट स्टेप पे हमें मिलता है 140 और 10वें में मिलता है 150 रुपये पर आई डी, यानी कि लगभग 11% कमीशन वहाँ पे हमें मिलता है। अब यहाँ पे एक बात है कि आपका मान लेते हैं 10वें लेवल पे 9वें लेवल वाले व्यक्ति ने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं किया था, तो अब आपके तो वो 10वें लेवल पे काम हुआ। अब जो लोग, जो 100 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो एक व्यक्ति से 150 रुपये आपको मिल रहा है अपग्रेडेशन के ऊपर, तो आपका 15,000 का कमीशन वहाँ पे बना हुआ है एक लाइन से भी। तो लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज आ गई कि बीच के लोगों ने कोई काम नहीं किया था, आपका 10वें लेवल में 15,000 कमीशन बन गया। तो इसके हिसाब से जो 10वें लेवल से लेके ऊपर के 9 लेवल हैं, एक किस्म से सबका ही कमीशन वहाँ पे बन चुका है, ठीक है ना। क्योंकि 10वें लेवल से काम हुआ तो ऊपर के 9 लोगों का इनकम बन गया। यहाँ पे एक कंडीशन कंपनी की ने रखी हुई है, उसको भी आपको समझना जरूरी है। क्या कंडीशन है, जैसे यहाँ पे इसी लेवल की इनकम को लेने के लिए कंपनी ने 5 लोग डायरेक्ट करना जरूरी रखा हुआ है हर व्यक्ति के, इसको आपने समझना है। यानी कि पूरे 21 लेवल के आपको कमीशन मिलेगा, चाहे वो वॉलेट की परचेजिंग से मिले, चाहे वो अपग्रेडेशन से मिले, जब जब भी खरीदारी हो, टोटल 21 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 5 लोग डायरेक्ट एक्टिव करना जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत करना जरूरी है, उसके लिए कंपनी ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे आप लोग एक डायरेक्ट कर देते हो तो आप पहले 2 लेवल की इनकम ले सकते हो। बेशक अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 10वें लेवल पे आपकी इनकम बनी है तो वो आपको वापस नहीं होगी, आपको मिलेगी, लेकिन एक डायरेक्ट के आपके 2 लेवल की इनकम आपको मिली। अब 2 डायरेक्ट के आपको इनकम मिलती है 4 लेवल की, 3 डायरेक्ट के आपको इनकम मिलती है 6 लेवल की, और 4 डायरेक्ट के आपको इनकम मिलती है 8 लेवल की, और 5 डायरेक्ट पे सभी टोटल लेवल की इनकम आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे चीज काउंट करें कि आपकी इनकम कहाँ बनी जाके 10वें लेवल पे, तो आपको आपने डायरेक्ट अभी कितना किया था मान लो 1, लेकिन
अब आप 4 ड्रैक्ट और कर जाओ और अपना 15,000 रुपया ले लो। अब ऐसे करके आपने अपनी कंडीशन फुलफिल कर ली, आपके लिए जो व्यक्ति है उसका भी तो बना हुआ है इनकम वहाँ पे, तो वो भी अपना जो भी उसकी कंडीशन 4 की बनती है 3 की बनती है अपने डायरेक्ट करेगा वो भी ले लेगा, नीचे वाला है उसकी भी बनती है वो भी ले लेगा वो भी ले लेगा। ऐसे करके क्या हो गया, सभी को इनकम मिल गई और आपके नीचे हर लेवल पे तो अपग्रेडेशन बढ़ गई, तो आपका प्योर और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे करके ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है। ये चीज को हम फर्स्ट स्टेप पे भी काउंट कर सकते हैं। आपका मान लेते तीसरे लेवल पे इनकम बना, तो फर्स्ट लेवल पे आपने 140 रुपया ले लिया, सेकंड लेवल पे 50 रुपए के हिसाब से जो काम था दूसरे लेवल पे वो भी ले लिया। अब थर्ड लेवल पे आपका मान लेते 100 लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो थर्ड लेवल पे आपको पर व्यक्ति से कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, और वहां पे 100 लोग ज्वाइन हो तो आपकी इनकम कितनी बन गई है, 10,000। ओके, लेकिन आपने क्या किया है, अभी एक ही ब्रैकेट किया हुआ था, जैसे आप दूसरा ब्रैकेट कर दोगे तो तीसरे लेवल की इनकम 10,000 भी मिल गई और चौथे की भी मिल जाएगी। ऐसे जब पांचवें पे हो गया तो आपको फिर तीसरा ब्रैकेट करना है, पांचवें छठे की मिल जाएगी, मतलब इस तरीके से करें आपको इनकम मिलती जाती है। इसके साथ साथ कंपनी ने कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, प्रेजिडेंट फ्लोर फंड, वो सारी चीजें भी कंपनी ने इसमें दी है, वो आप पीपीटी में देख लेना। और दो वहां पे कंपनी के टर्नओवर से सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जैसे ट्रेवल फंड के लिए कंपनी के टर्नओवर का 2% निकलता है, और जिन लोगों की 200 लोगों की टीम बन जाती तो वो लोग उस कार ट्रेवल फंड को लेने के लिए हकदार हो जाते हैं, तो जितना भी पैसा 2% कंपनी के टर्नओवर का निकलता है वो पैसा उन लोगों में बन जाएगा जिन लोगों के नीचे 200-200 लोगों की टीम बन चुकी है, और ये फंड मिलता है 5 लाख रुपए तक। ऐसे ही आपकी जैसे 1,000 लोगों की टीम बन जाती है तो आपको कार फंड के नाम का मिलता है 25 लाख रुपया, वहाँ पे भी 2% कंपनी की टर्नओवर का निकलता है। ऐसी जैसे 5,000 की टीम बन जाती है तो आपको हाउस फंड के लिए मिलता है 1 करोड़ रुपया। इस तरीके से ये सारे फंड आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आपका जो टीम साइज है वो टीम किस तरीके से काउंट करेगी कंपनी, 200 लोगों की या 1,000 लोगों की या 5,000 लोगों की, जो भी है, तो वो इस तरीके से कंपनी काउंट करेगी भी आपका एक लाइन में जो बिजनेस है उस लाइन से 40% बिजनेस आपका काउंट करेगी, बाकी का बिजनेस आपकी अदर लैग सभी का मिला के होना चाहिए। okay. इस तरीके से ये चीज आपकी काउंट होगी, क्योंकि एक लाइन में यदि 200 लोग तो सीधा सा एक लाइन में भी हो सकते हैं, लेकिन सभी को थोड़ी ना दिया जा सकता है, इसलिए आपका 40% बिजनेस एक मेन लेग से होगा, बाकी का बिजनेस सभी से मिला के हो जाए तो आपको वो मिलेगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये चीज है। तो ये मैंने आपको फ्री का, रेफर करने का और लेवल इनकम का, टोटल खरीदारी का भी और अपग्रेडेशन का भी सारा कुछ बताया। इसके अच्छी एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आज तक हमारी मैंने तो जितनी भी मार्केट में कंपनियां करी हैं, देखी हैं, सुनी, वहां तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या चीज है, देखिए, चलो ये तो हमारा नेटवर्क बनाएंगे जो अभी करेंगे उसके हिसाब से हमें इनकम आएगी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी हमें अपनी लाइफ सेट करने के लिए और भी जबरदस्त एक चीज दे रही है, क्योंकि कंपनी पूरे इंडिया की मार्केट में अपना QR कोड लगाने जा रही है। QR कोड जैसे आपको पेटीएम, गूगल पे या इन सब के आपको लगे हुए मिल रहे हैं, देखे होंगे आपने, जो लोग पेमेंट ट्रांसफर करते हैं QR कोड स्कैन करके, ट्रेंड स्मार्ट का अपना QR कोड लगने जा रहा है। जैसे एप्लीकेशन की लॉन्चिंग होगी उसके बाद पूरी मार्केट में QR कोड लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये QR कोड कौन लगाएगा, ये QR कोड हम एजेंट लोग ही लगाएंगे, हमें ही परमिशन है लगाने की मिलेगी। तो अब यहाँ पे एक चीज सुनना ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही मालिक है हर एक एजेंट को ऑफर है, कोई भी लगाना चाहेगा वो लगाएगा, जो नहीं लगाना चाहेगा मत लगाए, वो हर एक की मतलब उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं लगाऊंगा। वो क्यों लगाएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लेते हैं आपने कंपनी को बोला कि मैं अपने एरिया में क्रेंस मार्ट के QR कोड लगाने जाता हूँ, और आपने 100, 200, 500 दुकानों पर गए और उनके QR कोड बनाए और लगा के आ गए। अब वो QR कोड क्यों लगवाएगा दुकानदार, क्योंकि आप उसको एक चीज बताओगे क्या, क्योंकि क्रेंस मार्ट एक काम कर रही है कि जितने भी दुकानदार हैं वो सब यदि क्रेंस मार्ट के QR कोड को स्कैन करवाएंगे तो उनको पर स्कैनिंग 40 से 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा, जबकि उनको अदर जो QR कोड लगे हैं वहां से उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता है।
अब जब जब वो ये चीज लगवाएंगे और उनको दुकानदार को दो पैसे जहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो तो वहीं पे क्यू आर कोड स्कैन करवाएगा। अब उस क्यू आर कोड को चाहे वो पेटीएम को स्कैन करके दे रहा है पैसे, चाहे तो गूगल पे से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, लेकिन क्यू आर कोड स्कैन हो रहा है जिसका करेंट स्मार्ट का, तो दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। लेकिन अब बात आ गई एजेंट, जिस एजेंट ने उन 100, 200, 500 दुकानों पे वो क्यू आर कोड लगाया था तो पूरी लाइफ, अपनी लाइफ के बाद भी जब तक मार्केट में वो दुकानें रहेंगी, जब तक उनके क्यू आर कोड स्कैन होते रहेंगे, तो उसके घर भी 15 से 20 पैसे पर स्कैनिंग उसके घर पे हमेशा लाइफ टाइम के लिए पहुंचते रहेंगे। अब ऐसा सिस्टम बताओ किसी भी कंपनी ने अगर नेटवर्क को दिया हो, नेटवर्क पर कभी ठीक है भाई तू एक बार काम कर और तेरे को पूरी लाइफ जिंदगी भर तेरे पास पैसा आएगा, तो वो सिस्टम कंपनी ने दिया। इसके साथ साथ कंपनी की तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मार्केट में छाने की, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाने की तैयारी है। और एक चीज और बताता हूँ, अभी इस वॉलेट को लेकर लास्ट में बताता हूँ क्योंकि बाकी फिर आप जैसे जैसे चलेंगे उसके हिसाब से आपको पता लगता रहेगा। अभी कंपनी जो आपको वॉलेट दिया गया है, चाहे वो फ्री में रेफर करने के या अपग्रेड करने के, वो सभी वॉलेट टोटल का टोटल आप जैसे ऑनलाइन परचेजिंग में यूज करोगे करोगे, इसके साथ कंपनी आपको एक ऑप्शन और देगी ऑफलाइन यूज करने का। वो ऑफलाइन भी किसको दे दिया गया, जो एजेंट लोग जैसे क्यू आर कोड लगाने जा रहे थे, ऐसे ही एजेंट लोग अपने एरिया में होलसेलर जो होंगे उसके शहर में, सिटी में, टाउन में कहेंगे भी, जो होलसेलर होंगे वो एजेंट जाएगा उनके पास, उनको बोलेगा भाई साहब आपको कस्टमर चाहिए, तो दुकानदार हमेशा कहेगा यार किसको नहीं चाहिए कस्टमर, तो ठीक है हम आपको कस्टमर देते हैं आपके ही एरिया से, यहीं से कस्टमर देते हैं। तो हमारे कस्टमर कौन है, जिनके पास ये वॉलेट पड़ा है, ठीक है, तो वो कस्टमर किसको देंगे, उस दुकानदार को। उस दुकानदार की एक नॉमिनल फीस रहेगी कुछ भी, जो कंपनी तय करेगी 2000 या 5000 वन टाइम फी, जो कंपनी के साथ जुड़ जाएगा दुकानदार, और दुकानदार के पास कस्टमर कौन भेज रही है, कंपनी, क्यों, कि सभी के पास वॉलेट पड़ा है, तो वो वॉलेट यूज करने के लिए जो ऑनलाइन करेंगे तो करेंगे, उसके साथ उनका वॉलेट ऑफलाइन भी यूज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज है कि जिस एजेंट ने उस दुकानदार को जुड़वाया कंपनी के साथ, अब कस्टमर किसने भेजे, कंपनी ने, क्योंकि सबके पास वॉलेट पड़ा है उस एरिया में, तो अब वो वॉलेट का यूज करने के लिए दुकानदार के पास जाएगा। अब दुकानदार वहां पे वॉलेट एडजस्ट करवाएगा उसका और उसको प्रोडक्ट दे देगा, तो यानी कि दुकानदार होलसेलर जो होगा वो मार्जिन निकाल के देगा। मान लो एक उदाहरण मैं देता हूँ, यदि दुकानदार ने किसी चीज के पीछे 10 रुपए का मार्जिन निकाल के कंपनी का, तो अब उस 10 में से कंपनी क्या करेगी, जिस एजेंट ने उस दुकानदार को जुड़वाया था उस एजेंट के घर पे उस 10 रुपए में से उसके घर पे हमेशा लाइफ टाइम पैसा जाएगा। यानी कि अब उस दुकानदार की सेल कौन कर रहा है, दुकानदार, तो खरीद कौन रहा है, कस्टमर। उस एजेंट ने तो दोबारा कुछ नहीं किया, लेकिन एजेंट के घर लाइफ टाइम हमेशा के लिए जितनी भी सेल होती जाएगी उसका उसको मार्जिन जाता है। तो इस तरीके से एजेंट को ये दो काम, क्यू आर कोड वाला और ऑफलाइन दुकानों को जुड़वाने वाला, ये भी दिया गया है, ठीक है ना। बाकी का जो नेटवर्किंग के हिसाब से जो कमा ही रहा है, इसके साथ कंपनी क्यू आर कोड के साथ साथ स्वाइप मशीन मार्केट में देने जा रही है, मिनी एटीएम मशीन मार्केट में देने जा रही है, अंगूठा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम वो देने जा रही है। बहुत बड़ा कुछ है जो आप जैसे जैसे चलोगे आपके बिल्कुल सामने आता जाएगा हर चीज। तो इस तरीके से ये कंपनी बिल्कुल हर तरीके से छाने के लिए तैयार है और अभी